नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस के बारे में। दोस्तों, इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है, तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें एक अपडेट के बाद कुछ ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे अपडेट के बारे में बात करता हूँ। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर जो मैंने कल अपडेट कर लिया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, वो अपडेट है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। तो ये देखिए, इस अपडेट सबसे पहले मैं बात करूँ साइज की। दोस्तों, ये साइज है 1 GB के समथिंग का, 1 GB से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या अपडेट होकर मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन होती है हमारी सैमसंग की इनबिल्ट वाली, जैसे कैलकुलेटर, कैलेंडर और सैमसंग हेल्थ वगैरह, दोस्तों उन सब में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे इम्प्रूवमेंट होकर मिले हैं। बट दोस्तों, जैसे वो एप्लीकेशन पहले चल रही थी सेम उसी तरीके से अभी वर्क कर रही हैं, लेकिन मुझे जो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होके मिली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि ये 1 GB से ऊपर का अपडेट है, जो कि दोस्तों मैंने कल किया था, कल यानी 2 सितंबर को दोस्तों मैंने अपडेट कर लिया था शाम को 5:45 समथिंग। बट दोस्तों, इसमें हमें अपडेट होने के बाद भी सिक्योरिटी पेज लेवल इंक्रीज होकर नहीं मिला। हमारा सिक्योरिटी पेज लेवल अभी भी 1 अगस्त का है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों में, 1 या 2 दिन में दोस्तों, हमें फिर से एक अपडेट मिलने वाला है सिक्योरिटी पेज लेवल वाला, क्योंकि सैमसंग का S22 Plus जो फ़ोन है दोस्तों, वो है एकदम न्यू S सीरीज वाला। तो इसमें हमें जो सिक्योरिटी पेज लेवल मिलते हैं वो तुरंत ही तुरंत मिल जाते हैं, मंथ को स्टार्ट होने से, जैसे मंथ स्टार्ट होता है तो वैसे ही दोस्तों हमें नए अपडेट मिल जाते हैं सिक्योरिटी पेज लेवल वाले। बट दोस्तों, ये जो अपडेट है इसमें हमें सिक्योरिटी पेज लेवल अपडेट होकर नहीं मिला है। तो इसका मतलब यह है कि 1 या 2 दिन में फिर से कोई अपडेट आएगा। तो दोस्तों, जब से मैंने ये अपडेट को किया है कल से, तो मेरे फ़ोन में थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की लैगिंग हो रही थी वो दोस्तों एकदम ख़त्म हो चुकी है। अब मेरा फ़ोन एकदम स्मूथ चल रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले मेरा फ़ोन हल्का फुल्का लैग कर रहा था क्योंकि मेरी जो स्टोरेज है इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इस वजह से ये लैग कर रहा था। बट मैंने अभी भी स्पेस को ख़त्म नहीं किया, सिर्फ अपडेट कर लिया अपने फ़ोन को, और वो लैगिंग जो थी दोस्तों वो एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो ये फ़ायदा होता है सैमसंग के डिवाइस का, क्योंकि इसमें सैमसंग क्या करता है, अपने लेटेस्ट डिवाइस जो होते हैं उनमें हमें टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता है। और आपको बताइए कि सैमसंग का जो S22 Plus है ये फ़ोन, ये हमें Android 12 पर ही मिला है, तो इसमें अभी 4-5 साल तक फिर से हमें अपडेट मिलने वाले हैं एंड्रॉयड वाले 13, 14, 15 जो भी आएंगे। तो अगर आपके पास S22 Plus है और आपको उसमें दिक्कत आ रही है हल्की फुल्की, तो आप फटाफट से अपना अपडेट चेक करो कि आपके फ़ोन अपडेट आया या नहीं है। आया हुआ है तो फटाफट से उसे इंस्टॉल करो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बैटरी हेल्थ भी दोस्तों सही हो जाएगी आपके फ़ोन की, प्लस दोस्तों आपके फ़ोन में जो हल्की फुल्की लैगिंग हो रही है वो भी एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यही बात बतानी थी, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपडेट चेक ही नहीं करते हैं और उनको यही पता है कि अपडेट होता क्या है। तो अगर आपके फ़ोन में कुछ अपडेट दिख रहा है तो आप उसे फटाफट से इंस्टॉल कर लो, 1 GB का है, आराम से हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।